नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में दोस्तों हमारा एक बहुत ही कमाल का सफ़र चल रहा है जो है होलिस्टिक वेलबींग well के ऊपर हम जान रहे हैं कि एक तरफ है अनहेल्दी लाइफस्टाइल और दूसरी तरफ है हेल्दी लाइफस्टाइल ये दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हमने ये भी जाना कि अगर हमें अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलना है तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो उससे निर्भर करते हैं और वो सभी फैक्टर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है आज हम जानेंगे कि अगर हमें अपने आप को निरोगी काया की ओर लेके जाना है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको करनी ही है आइए इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर जी आइए उनसे बातें करते हैं ओम शांति सिस्टर वेलकम टू आवर शो ओम शांति सिस्टर हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से वात बहुत ही खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकता है अगर उसका इंबैलेंस हो तो जी आपने भी उन्हीं में से एक बीमारी से जीत पाई है जिसका नाम है अर्थराइटिस सिस्टर uh, uh, ये तो बहुत ही आई एम श्योर बहुत ही डिफरेंट जर्नी रही होगी बिकॉज इतनी कम उम्र में आपने uh, इतनी तकलीफ को झेला uh, है मैं जानना चाहती हूँ कि अर्थराइटिस की शुरुआत कैसे हुई बेसिकली इट इज़ बिकॉज ऑफ़ लैक ऑफ़ राइट नॉलेज एंड लैक ऑफ़ राइट इन्फॉर्मेशन क्योंकि हमें हमारे ही शरीर का ज्ञान नहीं होता तो हम जाने अनजाने ऐसी बहुत सी गलतियाँ अपने जीवन में कर जाते हैं जी। इसकी वजह से हमें उसके डिजास्ट्रस रिज़ल्ट भुगतने पड़ते हैं सो राइट फ्रॉम माई चाइल्ड हुड आई वॉज वेरी एक्टिव एंड आई वॉज़ लाइक डांसर मुझे डांस okay. करना बहुत पसंद था आई वॉज़ वेरी क्रिएटिव डांस पेंटिंग स्पोर्ट्स मेरा बहुत बड़ा पैशन था भंगड़ा कैप्टन मैं रही थी ड्यूरिंग ऑल माई अकेडमिक्स तो आई वाज वेरी एक्टिव ड्यूरिंग थ्रू आउट माई यंग एज तो अकेडमिक्स में भी स्कूल में देन कॉलेज में भी बट आई थिंक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज रोंग लाइफ स्टाइल रोंग फूड कंपेटेबिलिटी को साथ खा लेना रॉन्ग फूड आइटम्स को एक साथ लेना विर, दो विरुद्ध आइटम्स को साथ में लेना कुछ कुछ ऐसी गलतियाँ हुई होंगी जिसकी वजह से मेरा पित्त एग्रीवेटेड था अच्छा. मेरी बॉडी uh, पित्त और वात के प्रभाव में थी तो पित्त बेसिकली एग्रोवेटेड था जैसे मुझे मैंगोज बहुत पसंद थे तो आई वाज फॉन्ड ऑफ मैंगोज लाइक एनीथिंग आई लव्ड मैंगोज चाहे एक दिन में बैठ करके कितना भी खिला दो दिस वाज द लाइक माय पैशन एंड देन आई वाज क्वाइट अ किड जी तो so बचपन से ही वो पसंद पसंद था तो so उससे क्या होता था मुझे स्किन इश्यूज होते थे आई आई यूज्ड टू हैड पिंपल्स ऑल ओवर माई फेस एंड ऑल ओवर माई बैग आई यूज टू हैव पिम्पल्स तो उसकी वजह से स्किन इशूज़ होते थे तो स्किन इशूज़ को लेकर के फिर अल्टीमेटली वी वेंट टू द एलोपैथिक डॉक्टर्स डर्माटोलोजिस्ट के पास स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले गए जी वाई हेड थ्रू आउट माई टीन एज आई थिंक फ्राम राइट फ्राम द एज ऑफ फोर्टीन ईयर्स अप टुलज ऑफ एटीन आई थिंक मैंने बहुत एलोपैथी खाई है जस्ट टू बिकॉज ऑफ़ नॉलेज नहीं होने की वजह से इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से शरीर के ज्ञान बिल्कुल ही ज़ीरो था पता ही नहीं था क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हम पढ़ते हैं उसका हमारे बॉडी से कोई रिलेशन नहीं होता वी आर वी आर स्टडिंग जोग्राफी हिस्ट्री सिविक्स मैथ साइंस ठीक है बायोलॉजी इज समथिंग ओनली रिलेटेड टू द बायोलॉजी ऑफ द बॉडी बट इन डेप्थ अंदर जाकर के जैसे आयुर्वेद हमें ज्ञान देता है वो सारी चीजें तो हमें पता ही नहीं होती राइट वी डोंट नो हाउ आर लाइफ स्टाइल शुड बी हाउ आर बेसिक रूटीन शुड बी क्या खाना है क्या नहीं खाना है कौन से रॉन्ग कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं तो ये सारी चीजों का तो पता नहीं था जी. तो कितने साल मैंने अलग अलग स्किन uh, स्पेशलिस्ट के पास मेडिसिन खाई हैं तो अल्टीमेटली सप्रेशन है वो yeah. क्योंकि इट इज अ फैक्ट इन आर यंग एज इन आर ग्रोइंग एज ऑल बॉयज एंड गर्ल्स डू हैव दिस प्रॉब्लम कि सबको होते हैं नेचुरल yes. होता है 14 की एज के बाद पित हमारा बॉडी का बढ़ना शुरू होता है okay. ये हमने अपने कड़ियों में जाना तो पित्त जब एग्रोवेट होता है तो उससे रिलेटेड अगर भोजन सम नहीं किया जाए तो पित्त से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आएंगी स्किन right. तो इश्यूज भी होने लगते हैं कई बार रॉन्ग रॉन्ग डाइट कॉम्बिनेशन की वजह से तो इतनी सारी मेडिसिन खाने के बाद हुआ तो कुछ नहीं कम ज़्यादा कम ज़्यादा होता था स्किन भी खराब होती थी एवरीथिंग मतलब आई वाज विद पिंपल्स ऑल द टाइम थ्रू आउट माई यंग एज तो एट द एंड क्या हुआ बाय द टाइम आई रीच्ड 2012 एट माय व्हेन आई वाज इन द कॉलेज आई वाज डिटेक्टेड विद रिमोट आर्थराइटिस दैट इज़ आर तो इट वॉज़ आई वॉज ट्रेवलिंग फ्राम गुजरात टू पंजाब वापस घर जा रही थी एंड uh, उससे पहले मुझे एक हफ़्ता लगातार डायरिया हुआ था ओके okay. तो so, डायरिया में लूज मोशन वॉमिटिंग्स फीवर पेट अपसेट होना डाइजेशन वीक हो गई थी आई वॉज़ वेरी गॉन वेरी वीक तो एक हफ्ता लगातार डायरिया होने के बाद आई वॉज़ लाइक अनएबल टू वॉक मेरे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था पैरों से किसी को हाथों से स्टार्ट होता है किसी को नीज से किसी को कंधों से तो आई इट स्टार्टेड फॉर मी विद द विदीट तो आई वॉज आई एबल टू गेट अप आईजी इन द मॉर्निंग तो सुबह उठते ही मैं पाओ धरती पे नहीं रख सकती थी okay. मेरे पैरों की सभी उंगलियों में बहुत पेन्स होता था आई आई वॉज नॉट एबल टू वॉक तो मम्मा पापा का सहारा लेकर के मैं सुबह वॉशरूम तक पहुंचती थी या मैं दीवार का सहारा लेकर पहुंचती थी तो दैट टाइम आई वाज लाइक क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि ये क्या हो रहा है राइट आई नेवर न्यू तो फैमिली डॉक्टर को दिखाया तो ही सेड ये टेस्ट करा लो वो टेस्ट करा लो एवरी टेस्ट वॉज कमिंग नॉर्मल बिकॉज ऑफ डायरिया नेचुरल है कि वाइटामिन डी वाइटामिन बी ट्वेल्व ये सारी चीज़ें कुछ वाइटामिन ऊपर नीचे थे ऑल दो कैल्शियम बहुत अच्छा था मेरी बोन डेंसिटी बहुत अच्छी थी बिकॉज आई वॉज अ प्लेयर खाना डाइट आपको पता है कि पंजाब की डाइट कितनी रिच होती है तो एवरी थिंग वॉज़ वेरी फाइन लेकिन ये समझ नहीं आ रही थी कि पेंस क्यों हो रही हैं ओके

कि हुआ क्या है टू मंथ यस इट वॉज लाइक फ्रॉम मार्च अप्रैल मई तक यही नहीं समझ आया हो क्या रहा है जबकि आप उतनी इट वॉज कंटिन्यूइंग तो अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाते थे अलग अलग चीजें तो आफ्टर ऑल फिर मेरे फैमिली डॉक्टर ने बोला कि घर में किसी को गठिया है किसी को आर्थराइटिस है आई सेड यस मेरे मॉम को है एंड अच्छा. माई uh, uh, मामा जी मदर्स ब्रदर एल्डर ब्रदर उनको था एंड आई थिंक समेयर और दी अदर मेरी मासी को भी थोड़ा बहुत कहीं थोड़ा बहुत मेरे माइंड में था कि शायद उनको भी है तो ये सेड कि बेटा एक बार जाकर के आप अपना रिमोट आर्थराइटिस फैक्टर आर ए फैक्टर टेस्ट करवाइए क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव बोथ एंड देन कम विद द रिपोर्ट तो वो पॉजिटिव आया एंड हेयर इट गोज लाइक माई डॉक्टर माई फैमिली डॉक्टर ही वॉज एम डी मेडिसिन तो उन्होंने ऐसे अपने सिर पर हाथ रखा एंड ही वॉज़ लाइक वेरी मतलब उनको uh, बहुत बुरा लगा ये चीज़ अफसोस फील किया उन्होंने yeah. कि इतनी छोटी सी एज पे ये कैसे हो गया तो आर एफेक्ट पॉजिटिव आया फिर उसकी क्वान्टिटी इट वॉज़ अराउंड सिक्सटी एंड मेरा जो ई एस आर था जो इन्फेक्शन को डिनोट करता है बॉडी में ई एस आर वॉज ऑल्सो अबव थर्टी एंड देन कैल्शियम तो ठीक था कुछ और फैक्टर्स होते हैं यूरिक एसिड होता है वो ज़्यादा था सी आर पी लेवल होता है हमारे बॉडी में जब स्वेलिंग वगैरह होती है तो सी आर पी लेवल वॉज ऑल्सो हाई सबसे ऊपर था तो उन्होंने बोला कि हम आरम एक्ट शुरू करेंगे विच इज़ द मेडिसिन गिवन टू द बिगनर्स इन अमेरिका ओके तो एरम एक्ट बहुत छोटी सी गोली होती है वो रोमटाड आर्थराइटिस में बिगनर्स को दी जाती है ओके तो दैट एज स्टार्टेड एंड वो कहते हैं एक मंथ लो एंड फिर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे एंड देन अगेन कम बैक टू मी तो देखा कि जो आर एफ एक्टर सिक्सटी था वो नाइनटी पे पहुंच गया oh. और ई एस आर थर्टी से सिक्सटी पे पहुंच गया यूरिक एसिड भी थोड़ा बढ़ गया और सी आर पी लेवल भी इट इट वॉज शूटिंग नियर टेन एंड एलेवन समथिंग तो सब कुछ बढ़ रहा था तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि और एनी टाइप ऑफ आर्थराइटिस डू नॉट हैव एनी क्योर क्योर इन एलोपैथी अच्छा उसका थी। थी। <ikke> है ही नहीं क्योंकि एक्चुअली बीमारी का क्योर नहीं है एलोपैथी में इट इज ओनली अ सप्रेसिव ट्रीटमेंट वो सप्रेशन है थोड़ी देर के लिए हमें रिलीफ देता है क्योर नहीं करता मतलब पेन में रिलीफ देता है लेकिन पेन में रिलीफ कर देता है बाय पेन किलर्स अच्छा पेन किलर्स एंड स्टीरोड्स आर द ओनली थिंग वी हैव एन एलोपैथी जो आप ले लेते हैं आपको पेन में आराम आ जाता है जब वो पेन किलर का असर कम होने लगता है आपको फिर से पेन महसूस होने लग जाती okay. हैं तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि प्लीज डोंट गो फॉर एलोपैथी बेटा आप आयुर्वेद कर लो होम्योपैथी कर लो या कुछ और कर लो योगा कर लो एलोवेरा खा लो लेकिन एलोपैथी में बच जाना right. तो देर आफ्टर आई एज आई वॉज ऑलरेडी कम्पलीटेड विद माई ग्रेजुएशन मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तब आई वॉज डूइंग मास्टर्स ऑफ कॉमर्स ओके तो उस समय फिर मैंने बहुत रिसर्च करनी शुरू करी आई स्टार्ट रिसर्चिंग बिकॉज एवरी डे आई यूज टू गेट अप विद दिस शॉक कि मैं अब चल नहीं सकती अच्छे से मैं उठ बैठ नहीं सकती अच्छे से मैं अपने प्रॉपर आई यूज आई वाज नॉट एबल टू फोल्ड माय फिंगर्स एंड हैंड्स प्रॉपरली मेरे कभी कंधों में दर्द कभी नीज में पेन हो रहा है पटाके बचते थे मतलब एक अजीब सा पेन एक कड़क कड़क की आवाजें आती थी बिकॉज़ ऑफ वायु आप uh, कितने उम्र के थे उस टाइम बिफोर माइक 25 25 क्यूमर लिखना ओके तो देन उससे बड़ा मेरे को सदमा सा जैसे लग जाता है जी कि अब मैं कभी खेल नहीं पाऊंगी अब मैं कभी एज एन एथलीट आई वुड नॉट बी एबल टू रन मैं कोई भी गेम नहीं स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती हूँ मैं बास्केटबॉल प्लेयर थी आई वॉज गोल्ड मेडलिस्ट तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया था कि बस ट्वेंटी फाइव की एज ही थी इतना ही सफ़र था जिंदगी का इसके बाद ऐसे ही जीना पड़ेगा बिकॉज नाउ आई है डिजीज इसका कोई क्योर नहीं है डॉक्टर्स तो, तो आपके मन में क्या चल रहा था उस वक्त क्योंकि क्या होता है आई एम श्योर की वो हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि आप उस मोमेंट पर कैसा फील कर रहे थे आई वॉज लाइक नियरली हेल्पलेस फील कर रही थी राइट बट स्टिल आई वॉज स्ट्रगलिंग आई वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट एन आंसर कि कहीं तो कुछ होगा मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई आंसर ही नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो आपको होप 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 था, hope अपने अपने था। नहीं छोड़ी यस आई वाज हैविंग बिकॉज मेडिटेशन अब अब यहाँ पर आकर के कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है जी हम स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल तो बचपन से प्रैक्टिस कर रहे थे मेडिटेशन करते थे गलत खान पान की वजह से एलोपैथी मेडिसिन लेने से सप्रेशन होने की वजह से लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड लैक ऑफ ऋतुचर्या दिनचर्या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कुछ समझ ही नहीं थी कि क्या करना है सो so, ये सारी चीज़ों की वजह से जिस कंडीशन में मैं पहुँच चुकी थी इट वॉज़ ओनली द पावर ऑफ ऑल माई वाज विच वॉज़ होल्डिंग मी समवेर ऑर दी तू वेट कर देर वॉज अ होप जो होप थी ना देट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ परमात्मा परमात्मा का जो एक ब्लेसिंग का हो या छत्र छाया कहो या उसका हाथ पकड़ के रखा जो मेडिटेशन की विल पावर थी मेडिटेशन की वजह से जो विल पावर स्ट्रोंग था इतना दैट वॉज द ओनली के ओनली रीजन दैट आई वॉज होल्डिंग अप टू माई सेल्फ और मैं हर रोज कुछ ना कुछ ट्राई करती थी ऐसा कि मैं ठीक हो जाऊँ जी तो मैंने बहुत सर्च किया आई लेफ्ट एलोपैथी देख लिया पढ़ लिया सुन लिया मैंने बहुत कुछ स्टडी <laughs> कर लिया उसके बारे में देन आई स्विच टू आयुर्वेदा तो आयुर्वेद में मैंने उसमें न्यूरो थेरेपीज़ होती हैं उसमें बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं फिर उसको देखना पढ़ना शुरू किया कुछ कुछ कर करना भी शुरू किया अपनी बॉडी पे और देन मैंने डाइट की समझ खुद में डेवलप करनी शुरू करी कि क्या लेने से दर्दें बढ़ती हैं क्या लेने से दर्दें कम होती हैं ओके okay. उस समय फिर मैंने मेथी दाना स्टार्ट किया बाघ भट्ट जी को पढ़ना शुरू किया राजीव दीक्षित जी को सुनना शुरू किया बैठ के नोट्स बनाने शुरू किए कि हो सकता है कभी ये किसी और के भी काम आ जाए इफ आई गॉट क्योर्ड ओके तो ऐसे धीरे धीरे उसका भी नॉलेज लेना शुरू किया साथ साथ अपने स्टडी के लिए तो आप कहना चाह रहे हैं आप उतने पेन में उस हालत yeah. में आपने ईश्वर को साथ रखकर आपने ये सोचा कि भई मैं नोट्स बनाती हूँ ताकि कि किसी और के काम आ जाएंगे <laughs> yes, to to so wow. मैं लिखती थी आरे डूज एंड डोंट्स Okay. ये करना है ये नहीं करना है क्या बात ये है? खाना है ये नहीं खाना है ये लाइफ स्टाइल ऐसा रखना है ऐसा नहीं करना है पर तो आप कॉमर्स की स्टूडेंट थे या yeah. और आप अभी टोटली हेल्थ वर्ल्ड में हैं या yeah. तो ये चेंज uh, के लिए uh, क्या माइंडसेट चेंज हुआ आपका जिसकी वजह से आपने कॉमर्स से इस तरफ स्विच सोच लिया ये टाइम आई वॉज ओके और एम कॉम फाइनल के बाद भी आ, मैंने इतने जल्दी स्विच नहीं किया था अंटिल आई गोट क्योर्ड अच्छा ये होने के बाद स्विच किया है okay. तब तक उसके बाद मैंने कंपनी सेक्रेटरी भी किया है आई okay. जर्नी के दौरान मुझे पेंस ही रही हैं बिकॉज इट स्टार्टेड इन टू थाउजेंड ट्वेल्व एंड इट टूडेज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आई गोट क्योर्ड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी अच्छा जी तो so, 2020 एंड 2021 से ही वो जो क्योर है मुझे मिलना शुरू हुआ बट जो फाइनली मुझे एक रिजल्ट मिल गया था दैट वाज 2020 ट्वेंटी एंड टू थाउजेंड नाइनटीन आई गॉट्लीट सोल्यूशन हाफ वे आई वाज लाइक अ विनर टू थाउजेंड नाइन टू थाउजेंड एटीन तक तो कुछ समझ में ही नहीं आया था बहुत सारी चीज़ों को मैं ग्रास्प कर चुकी थी बहुत अनुभव कर लिए थे द right. जर्नी so, तो वहाँ पहुँचने तक क्या हुआ कि उसके बाद मैंने ट्राई किया आयुर्वेदा आई ट्राइड डिफरेंट वेद्यास कभी गुजरात में कभी पंजाब में कभी दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन में जहाँ जहाँ जिस जिसने बताया साउथ में वहाँ वहाँ उस वैद्य के पास जाकर के जितना हो सका मैंने आयुर्वेद को भी ट्राई किया बट okay. मेरी पेन्स कभी ख़त्म नहीं हुई और नेचुरल uh, है कि पेन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति चाहता है कि बस पेन मेरी ख़त्म कर है कैसे भी करके sure. चाहे मुझे स्टीरोयड्स ही क्यों ना खाने पड़े उसके लिए पेन किलर्स ही क्यों ना खानी पड़े बट बिकॉज आई न्यू दिस कि पेन किलर्स एंड स्टीरॉयड्स ये दोनों ही हमारे लिए घातक हैं yeah. और मुझे मालूम था कि मेरे जो लॉके मतलब माय फादर उनके जो एक सीनियर थे प्रिंसिपल थे

Hmm. अपने शरीर का और नुकसान नहीं करना है एक ही चीज़ जो हो गई है उसी को भुगतना इतना भारी पड़ रहा है इसके बाद और ऑर्गन्स और का डैमेज नहीं होने देना है राइट right. तो आ, उसके साथ फिर आयुर्वेद से जितनी समझ मिली उस समझ को डेवलप कर लिया डाइट की समझ थोड़ी डेवलप कर ली थी लेकिन I, I क्वानी okay. इतनी ज्यादा दे लोग जो होते हैं mm -hmm. कि उससे हमें थक जाते हैं right. हमारी डेली की रूटीन की डाइट इतनी नहीं होती जितनी mm -hmm. दवाइयाँ खानी पड़ती हैं सही बात तो है। वो ये पाउडर वो पाउडर ये सिरप और ये पुड़िया खानी है ये पहले ये बाद में वो बहुत सारा ताम झाम था right. तो आई वॉज लाइक हेल्थ वेरी फेड अपट तो मैंने अल्टीमेटली उसको भी छोड़ दिया एंड देन फाइनली आई केम टू टेकिंग ओनली एलोवेरा एंड इन द मॉर्निंग एंड देन मैंने फिर योगा भी सीख लिया एज आई मै योगा ट्रेनर नाउ तो आई स्टार्टेड विद लर्निंग योगा फ्रॉम भारतीय योग संस्थान एंड फ्रॉम पतंजलि एंड एवरीथिंग थिंग दो तीन जगहों से योगा भी सारा सीखा तो स्टार्टेड डूइंग योगा एंड प्राणायाम प्रैक्टिस उसकी वजह से क्या हुआ कि बीच में एक दो साल ऐसे आए कि इसकी वजह से माई डिजीज लाइक इट गॉट ऑफ फ्राम माई बॉडी अच्छा बॉडी में थी रिपोर्ट्स में आता था लेकिन सिम्टम्स नहीं थे बॉडी में पेन चला गया था पेंस भी नहीं थे कम थे बहुत मिनिमल थे बिकॉज दैट टाइम मैं रोटरी इंटरनेशनल में थ्री डिस्ट्रिक्ट मेरे पास हमारे थे जो उसमें मैं यूथ विंग में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थी तो एज बींग यूथ लीडर तो हमारे पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं मेरा माइंड उसमें इन्वॉल्व होने की वजह से वो बीमारी को ओवर पावर कर गया था सो दिस इज द पावर ऑफ माइंड कि बीमारी शरीर में है पर मेरे सिम्टम्स सामने नहीं आते थे लाइक आर ए फैक्टर हंड्रेड पे पहुंच चुका था हंड्रेड एंड टेन पे पहुंच चुका था सिक्सटी से हंड्रेड एंड टेन पे आ चुका था इन टू थाउजेंड फोर्टीन एंड टू थाउजेंड फिफ्टीन पर बॉडी में सिम्टम्स नहीं थे ओके या ई भी ज्यादा था इट वाज नियर अबाउट सिक्सटी सेवेंटीज सीआरपी लेवल भी ज़्यादा था आर ए फैक्टर भी ज़्यादा था पॉजिटिव भी था पर बॉडी में सिम्टम कोई नहीं था बिकॉज माई माइंड वॉर वॉज एक डूइंग सो मैनी प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व इन विद यूथ मेरे पास uh, मेरे अंडर कितने सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे जिनमें जाकर के हम सोशल प्रोजेक्ट्स करते थे उसकी वजह से आई वॉज नेवर डिटेक्टेड विद एनी सिम्टम्स ऑल दो रिपोर्ट्स सारी मेंटेन्ड है वो दिखाती थी कि आर रे फैक्टर तो है अभी right. भी तो उस समय मैंने ये महसूस किया कि पावर ऑफ माइंड रियली वर्क्स कि मेडिटेशन की पावर और पावर ऑफ माइंड इतना ज़्यादा काम करती है कि अगर माइंड में डेविएशंस आ, आ जाएं हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाए जी. तो बॉडी में क्या हो रहा है ये उसको पता ही नहीं चलता तो सिम्टम्स बाहर निकल के नहीं आते Wow. तो वो सुप्त अवश अवस्था में जैसे जो डिजीज़ थी वो चली गई एंड देर वर नो सिम्टम्स आई कुड सी फॉर दोज़ सो अमेजिंग सिस्टर ये आई uh, विश कि हम लोग इसे कंटिन्यू रख पाते और भी आगे क्योंकि ये बहुत ही uh, मुझे लग रहा है कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव uh, जर्नी रही है आपकी और साथ ही साथ हमारे लिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तो uh, अगले एपिसोड में मैं इसकी बात का ज़रूर जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी अस थैंक यू थैंक यू ओम शांति ओम शांति दोस्तों आज हमने जाना कि हमारा जो ये मन है ये मन में इतनी शक्ति है कि भले शरीर के किसी भी कोने में कोई भी तरह की बीमारी हो लेकिन अगर आपका मन सही दिशा में सही डायरेक्शन में किसी चीज़ को कंप्लीट करने में या किसी चीज़ को हासिल करने में लगा हुआ है तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो शरीर की बीमारियां हैं वो भी आपको फील नहीं होगी वो आज हमने जाना करमजीत सिस्टर से इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान ओम शांति अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान ब्रह्मा कुमारी गॉडलीवुड स्टूडियो शांतिवन आबू रोड कॉल एट one three four eight seven